नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 23 दिसंबर सैटरडे यानी शनिवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। कैसे आपने जन्मदिन मनाना है, कैसे अपने साल को बहुत ही लकी ईयर बनाना है, हम आपके लिए छोटा सा उपाय लेकर के आए हैं। उसे आपने जरूर करना है, लेकिन साथ के साथ कुछ लोगों की ऐसी भी समस्या होती है, अपना घर बनाना चाहते हैं, रेंट पर रह करके थक चुके हैं, वो कितना रेंट भरेंगे, वो चाहते हैं कि उनका खुद का आशियाना हो। अब जो छोटा घर है जिनका, वो बड़ा घर बनाना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास छोटा घर भी नहीं है, वो छोटा घर तो बनाना चाहते हैं। अपना घर तो अपना ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सुकून तो हमेशा अपने ही घर में आता है। तो आप कैसे अपने घर का सपना पूरा कर पाए, लेकिन हाँ, राशिफल यानी 2024 का राशिफल हम ऑलरेडी एक एक राशि करके डाल चुके हैं मेरे ही यूट्यूब चैनल पर। तो आपने अगर राशिफल नहीं देखा है, मैंने इंडिविजुअली एक एक राशि का राशिफल 2024 यानी 2024 का वार्षिक राशिफल ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं कि 2024 कैसे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है या नहीं है, कैसे लकी रहेगा आपके लिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन 2024 की ऑलरेडी मैं अपने राशिफल में डाल चुकी हूँ। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, इनफैक्ट अपने ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, ताकि किसी और का भी राशि, अगर कि किसी पर्टिकुलर दिन में उनका जन्म हुआ है, पर्टिकुलर राशि बनती है, तो वो अपनी जो वीडियोस इन्फॉर्मेशन है वो देख सके। चलिए आज के बर्थडे की बात की भी करेंगे, लेकिन जिनका घर बनाने का सपना है, घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए भी एक छोटा सा उपाय लेकर आए हैं। लेकिन बर्थडे वाले कौन सा उपाय करें? सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद, छोटों को प्यार, और साथ के साथ 5 जरूरतमंद लोगों को आपने आज के दिन, 5 persons को आपने आज के दिन फूड यानी खाना जरूर खिलाना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर एकदम सात्विक भोजन मिल जाए, यानी शुद्ध वेजिटेरियन, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वरना आप जो नॉर्मल भोजन भी मिला है वो भी दे सकते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन ना दीजिएगा। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। बड़ों को आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। अब राशियों की बात करते हैं। जो साल की राशियां हैं वो हम डाल चुके हैं अपने YouTube चैनल पर, इंडिविजुअल राशि और पूरा साल। तो ये हम 2024 का राशिफल डाल चुके हैं, लेकिन आज हम आज के राशिफल की बात कर रहे हैं। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि वालों, स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखें, बेवजह झगड़ों से दूर रहें, इनकम के नए सोर्सेज मिल सकते हैं। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, अधिकारी वर्ग का सहयोग आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपके काम के चर्चे होंगे, आलस्य से बचने का प्रयास करें। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए केसरिया। केसरिया रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं यानी जेमिनी की बात करते हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, स्थान परिवर्तन संभव है लेकिन प्रमोशन के साथ है। धन मनी का लेन देन अगर आप करना चाहते हैं तो आज के दिन कर सकते हैं। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, क्रोध यानी गुस्से के ऊपर खास करके नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना कोई करीबी रिश्ता आपका टूट सकता है। नए कार्यों की शुरुआत आज के दिन टाल दें, जल्दबाजी से बचे वरना नुकसान हो सकता है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात करते हैं, कर्ज ना लें क्योंकि कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है। शिक्षा में मन लगा करके आप प्रयास करें, कुछ अच्छे एफर्ट्स करें, तभी आगे आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से आज के दिन बचें। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि की बात करते हैं, वाहन का सपना आपका, गाड़ी का सपना आपका पूरा हो सकता है। संतान की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए भूरा। भूरे रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं,
धार्मिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं और मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकते हैं और बहुत अच्छे से संपन्न यानी पूर्ण भी हो सकते हैं। नया इन्वेस्टमेंट, नए धन को अगर कहीं लगाना चाह रहे हैं तो आज का दिन टाल दीजिए। अधिकारियों से बिल्कुल ना उलझे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, फिजूल के खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, बेवजह परिवार वालों का दिल ना दुखाएं। मित्रों के सहयोग से नए काम मिलने की संभावना है, सहनशीलता बना करके रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए केसरी। केसरी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, पर्सनैलिटी में आपके 4 चांद लगने वाले हैं यानी व्यक्तित्व में निखार आएगा। धन संचित जमा कर पाएंगे आप, वाहन का सपना आपका पूरा होगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी क्वेरियस की बात करते हैं, रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। मेहनत का फल आपको आज के दिन मिल सकता है, लेकिन किसी से ना उलझे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना है, बहस को झगड़े में ना बदले। मित्रों की मदद से नया काम भी आपको मिल सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। अब घर बनाने का सपना है, छोटा हो या बड़ा हो, घर तो घर ही होता है ना। हम चाहते हैं आपका ये सपना 2024 में जरूर पूरा हो जाए, लेकिन पूरे साल में आपकी राशियों में क्या लिखा है, मेरे YouTube चैनल पर इंडिविजुअल राशिफल यानी पूरा साल डिफरेंट डिफरेंट एक एक राशि का हाल, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए कि आपकी किस्मत में क्या है। अब घर बनाने का सपना कैसे पूरा करें, कोई भी जरूरतमंद मंदिर व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर घर बना रहा है लेकिन उसका सामर्थ्य ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छे से नहीं बना पाता, तो आपने उसे थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा सहयोग करना है। क्या करना है, कुछ ईंटों का, रेती का, बजरी का इसका प्रबंध करके देना है। देखिएगा कि 2024 में कैसे आपका खुद का घर बन जाएगा। सो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। हर सुबह 6 बजे हम राशिफल के साथ हाजिर होते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर से आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।